दोनों भाई डर के मारे फिर दौड़िएगा, मोनी मुख तो पुलिस धरवा केस टा तो बड़ा बड़का केस करे दिए तोर ऊपर झमेला छे यार। अब बड़ो बाबू से बात करवा दे, अब बात करके फिर आपको बोलेगा शाम करे हो, फिर शाम को जाइएगा थोड़ा बात करो, बड़का झमेला केस कर दिए तोर ऊपर 5-10 हजार नहीं हो 25 हजार टका लगभग। अब आप बोलिएगा मैं अतला कुंटे पा मोर तो टका नहीं कुछ नहीं, बोला नहीं तो कुछ करवा नहीं जाओ नहीं तो जेल जो आवे। तो बोले ठीक से मैं देखी, आप घर में आइएगा गोरु बकरी बेचिएगा फिर पैसा जमा कीजिएगा फिर ले जाके मोनी का हाथ में पैसा दीजिएगा 20 हजार रुपया। बोले अभी 25 हजार नहीं पानू 20 हजार टका पानू। बोले थी तो फिर मोर अपना लोग चल तोड़ते नहीं 5 हजार टका कम कर दीछी, तो ही मोर अपना लोग तोड़ते नहीं 5 हजार टका कम कर दीछी। और बोले बड़ो बाबू फोन लगा दीछी, आप बड़ो बाबू को फोन कर दिया, बड़ो बाबू को दिया 5 हजार या 7 हजार अपना जेब में रख लिया पैसा। और आपको बोले अति जाए सुते रहो। अब आपका भाई को फिर पुलिस पकड़ने दौड़ेगा, फिर उसको बुलाएगा, फिर उससे भी ऐसी पैसा लेगा, मतलब आपका घर का रोजी रोटी आपका मेहनत का पैसा जो पैसा से आपके परिवार का तरक्की हो सकता था। आपके घर में अगर मकान है तो उस मकान में अगर आप चाहते तो प्लास्टर कर सकते थे, उसी पैसा से आप चाहते तो अपने घर में नया पंखा ले सकते थे, अपना जरूरत का सामान पूरा कर सकते थे, घर में कोई बीमार हो तो उसका इलाज कर सकते थे, बहू बेटी को शादी ब्याह के में अगर कुछ जेवर का जरूरत हो तो उससे कुछ छोटा मोटा जेवर बना सकते थे। आपका सारा पैसा ये लोग इसी तरह से लूट के आपको भी बर्बाद कर रहा है, हमारे समाज को भी बर्बाद कर रहा है। इन लोगों के खिलाफ ये लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है। कांग्रेस आपसे कोई वादा करने नहीं आई है, कांग्रेस आपको सिर्फ यकीन दिलाने आई है कि आपको हक और इंसाफ के लड़ाई में आपका साथ कांग्रेस देगी। जुल्म और जालिमों के खिलाफ लड़ने के लिए आप अपने आप को कमजोर मत समझिए, आपके साथ कांग्रेस खड़ी रहेगी, ये यकीन आप लोगों को हम दिलाते हैं आज। और ये सिर्फ हम कहने ये बात सिर्फ हम कहने के लिए यहाँ ठिकरी बारी हाट में नहीं कह रहे हैं, हर वक्त हम इस बात को साबित करते हुए आए हैं। जब हम ग्वाल पोखर के एमएलए थे तब भी, जब हम चकलिया के एमएलए रहे तब भी, और आज एमएलए नहीं है तब भी, जब भी आप लोगों ने आवाज दी और जब भी जुल्म हुआ है, जब आप जुल्म के सामने घुटना टेकने पर मजबूर हुए हैं या पुलिस आपके ऊपर हावी होने की कोशिश की है, उस वक्त अगर हमको ये खबर मिला है कि यहाँ पर ज्यादती हो रही है तो हम किसी का इंतजार नहीं किए, हम आकर आपके बीच में खड़े हुए हैं और आपकी ताकत बन के हम हुकूमत से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और आज उसका एक नमूना आप लोगों के सामने है कि आज किस तरह से जैनगांव पंचायत में का प्रधान आरिफ को कत्ल किया, पुलिस के मौजूदगी में पुलिस खड़ी रही और आरिफ का कत्ल कर दिया गया। इतनी ताकत कहां से आया, एक पंचायत का प्रधान हो या गुंडा हो उसको इतनी ताकत कहां से मिली कि पुलिस के सामने खड़ा होकर वो किसी नौजवान को मौत के घाट उतार दे। ये ताकत देने वाला कौन है, ये ताकत देने वाला और कोई नहीं जो आपके पास दर दर भटक कर आपके घर में जाके नाना मामू फूफा भाई भतीजा बाप सनबाप बना के आपसे वोट मांगा था, यही गुलाम रब्बानी है जो आज आपके खिलाफ नाजिस जैसे गुंडे के हाथ में इतनी ताकत देके रखा है कि वो खुलेआम पुलिस के मौजूदगी में हमारे भाई भतीजे को कत्ल कर रहा है। और ऐसे लोगों को आज आपको सबक सिखाना होगा, सिर्फ रब्बानी को सियासत से बेदखल करने से नहीं होगा, ऐसे लोगों को समाज और सियासत दोनों से बेदखल करना होगा। हम ये बात इसलिए कहते हैं कि समाज और सियासत, अगर समाज में आप अच्छे लोगों को नहीं जगह दीजिएगा तो सियासत में अच्छे लोग नहीं आएंगे। इसलिए अगर आप सियासत को साफ सुथरा रखना चाहते हैं तो समाज में भी ऐसे लोगों को जगह नहीं देना होगा। इसलिए समाज और सियासत से ऐसे लोगों को बेदखल कीजिए। आज गुलाम रब्बानी साहब जिस तरह की हरकत अपने आवाम का वोट लेकर अपने ताकत के गुमान पर ग्वाल पोखर में प्याज पोखर में एक अदना सा 16 साल के बच्चे को, सिर्फ उस बच्चे का कसूर इतना था कि प्यास पोखर में उसने एक सवाल कर दिया गुलाम रब्बानी साहब से कि आरिफ के कातिलों को का क्या होगा, आरिफ को कातिलों को सजा मिलेगी या नहीं, ये सवाल पूछा गया था। क्या ये सवाल गलत है? ये सवाल पूछने पर आरिफ को
के हक में सवाल पूछने पर अंजार नाम के उस 16 साल के बच्चे को वहां पर मंत्री के मौजूदगी में मारा गया। अंजार है वो, यही है वो अंजार, प्याज पोखर का ये 16 साल 17 साल होने वाला ये लड़का, इसके चेहरे पर अभी दाढ़ी तक नहीं निकला है। और रब्बानी से सवाल पूछने पर रब्बानी साहब ने अपनी मौजूदगी में इस लड़के को पीटा गया, रब्बानी साहब के सामने इसको पीटा गया, इसका मोबाइल छीन लिया गया। और रब्बानी साहब जाने के बाद इसके घर में 6-6 गाड़ी 70-80 पुलिस लेके इसके घर में पहुंच गए इसको गिरफ्तार करने के लिए। क्या ये कोई खूनी है, क्या ये आतंकवादी है कि इसको पकड़ने के लिए 70-80 पुलिस लेके पुलिस को बहादुरी दिखाना होगा? लेकिन नाजिश पुलिस के सामने खड़े होकर कत्ल करता है तो हमारी पुलिस हाथ में चूड़ी पहनकर उसकी दलाली करती है और एक कमजोर सा नौजवान जो हक की बात बोलता है उसको पकड़ने के लिए 70 पुलिस जाती है। यह है गुलाम रब्बानी का इंसाफ। और जब इसको पुलिस पकड़ना चाहिए, हम लोगों को खबर मिला, हम लोगों ने कहा कि नहीं, इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। अंजार को हम अपने साथ लेकर चकलिया चले गए कि मेरे पास रहो, देखते हैं कैसे पुलिस तुमको गिरफ्तार करता है। इसको ले जाकर हम अपने घर पर रखे और यहाँ पर हम लोग नसीम भाई, नूर भाई, जैनुल, हम लोगों ने यह तय किया कि यहाँ पर बैठकर कि हम लोगों को इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी और अंजार को पुलिस ढूंढने की जरूरत नहीं है। अंजार कोई मुजरिम नहीं है, अंजार कोई आतंकवादी नहीं है, अंजार इंसाफ की बात किया है और उसके साथ हम लोग सब कोई खड़े होकर अंजार को पुलिस ढूंढने क्यों जाएगी, हम लोग उसको पुलिस के पास लेकर जाएंगे। और इसको पहले रमजान के दिन हम लोग हजारों हजारों लोग यहाँ से निकल पड़े और अंजार को लेकर हम लोगों ने सिलेंडर किया और ये अंजार का सिलेंडर हुआ, दूसरे दिन बेल भी हुआ। लेकिन जब सिलेंडर किया गया तो कुछ तृणमूल का नेता लोग फिर फड़फड़ाने लगा, क्या बोलता उसको, बरसाती मेंढक की तरह कि ले जाए तो जेलर ढुगा दिले, अब निकला वे कमने। तो ये लोग जो है ना सब जाहिल नेता सब है, ये लोग को नेतागिरी उठी आता नहीं है। जो बात अभी बोल रहा था हमारा मौलवी साहब कि कौन कितना पढ़ा लिखा है, तो पढ़ोगे लिखोगे तब ना जानोगे, ये लोग तो सब लिख लोड़ा पर पत्थर वाला नेता सब है, आता जाता कुछ नहीं है, दलाली के अलावा कुछ सीखा नहीं है। तो ये लोग जानेगा कैसे कि कानून क्या बोलता है। रब्बानी इस पर 307 का मामला लगाया कि ये रब्बानी को जान से मारने का कोशिश किया है। तो सोचिए कि रब्बानी का औकात कितना है कि रब्बानी को मारने के लिए एक अदना सा लड़का काफी है जिससे उसको डर के केस करना पड़ता है। सोचिए तो ये रब्बानी का औकात इसी में पता चलता है कि एक पश्चिम बंगाल सरकार का माइनॉरिटी का मिनिस्टर और वो बोलता है कि हमको एक 16 साल का अंजार नाम का लड़का जान से मारने का कोशिश किया, ये बोल के FIR रजिस्टर कराया। तो इससे क्या साबित हुआ कि उसका औकात कितना है कि एक 16 साल का लड़का उसको मारने जा सकता है। तो ये अपनी बात अपने ही बोलता है। इसलिए आप लोगों से हम जो कहना चाहते हैं ना कि रब्बानी का डर खौफ अपने दिल से निकाल लीजिए, तृणमूल का खौफ अपने दिल से निकालिए। हम लोग हवाई चप्पल पैर में लेके चलते हैं, हम लोग हवाई चप्पल अपने पैर में लेके चलते हैं और रब्बानी हवाई चप्पल अपना सर में लेके चलता है, इसीलिए लाल बत्ती उसका है, समझे? और कोई बात नहीं है, और कोई बात नहीं है। अभी अंजार को जेल में घुसाया रहा था, उसको लेके हम लोग थाना घेरे, सिलेंडर हुआ, पूरा बंगाल में हलचल मच गया, हर अखबार में टीवी में छा गया अंजार की गिरफ्तारी को लेके। तो ये ममता बनर्जी बोली यार तुम आके मंत्री रखा जावे ना, तुम ही बेर हो जो मंत्री से निकलो यहाँ से। तो रब्बानी दौड़ के जाके वही हवाई चप्पल फिर सर में उठा के बोला दीदी मंत्री पे रखे दो, तो उसका मंत्री का दफ्तर छीन के उसको मंत्री रख दी। लेकिन अभी क्या मंत्री है वो, पहले था माइनॉरिटी, अब है गाजर मूली का दफ्तर का मंत्री। गाजर मूली का मंत्री क्यों बोलते हैं, उसको अंग्रेजी में बोला जाता है फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट। अजान नहीं हुआ,
कितना दे रहा है? डिपार्टमेंट का मिनिस्टर है। तो फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट क्या है कि बंगाल में जो साग सब्जी होता है उसको कैसे रख के फ्रिज में बन करके उसको कैसे आप बना के अचार उचार बना सकते हैं, उसका दफ्तर का मंत्री है। तो अभी अगर तीनों मूल का नेता लोग को अचार उचार खाना हो तो रब्बानी साहब के पास जा सकते हैं, आप और वो कोई काम का लायक नहीं रहेगा। इसीलिए आवाम को हम ये बताना चाहते हैं कि आप ही की ताकत थी जिसके दम पर वो यहाँ का एमएलए बना और सरकार का मंत्री बन के वो अपने आप में जो उड़ रहा था उसका पर काट के आज उसको औकात में लाने वाले भी आप ही लोग हैं। तो इसलिए आप लोगों को किसी से डरने और घबराने की जरूरत नहीं है कि ममता बनर्जी की सरकार है या यहाँ कौन मंत्री है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है और संविधान और कानून आवाम के हक में है। इसलिए आप और हम सबको मिलकर अपने देश का संविधान और अपने देश के कानून की हिफाजत करते हुए अपने हक और इंसाफ के साथ आगे बढ़ना होगा। और आप लोगों को ये डराया जाएगा आज के बाद कि पंचायत हमारा है, समिति हमारा है, जिला हमारा है, एमएलए हमारा, मंत्री हमारा, मुख्यमंत्री हमारा, सब कुछ हमारा है, तुम क्या करोगे। तो खुले लफ्जों में ठिकरी बारी में आप लोगों सबको कह रहा हूं, आप लोग ऐलान कर दीजिएगा कि पंचायत तुम्हारा, समिति तुम्हारा, जिला तुम्हारा, मंत्री तुम्हारा, सरकार तुम्हारा, मुख्यमंत्री तुम्हारा, विक्टर हमारा है। ये बात आप लोग कर दीजिएगा। कांग्रेस आई हमारा है, नरेंद्र गुप्ता हमारा है, अभिरंजन चौधरी हमारा है। इसे आप समझ रही है, बेखौफ होकर आप खुले लफ्जों में ललकारते हुए कह दीजिएगा, ऐसी तंगर आवाज हुनर आजमाए, ऐसी तंगर आवाज हुनर आजमाए, तुम गोली आजमाओ हम जिगर आजमाए, ऐसी तंगर आवाज हुनर आजमाए, तुम गोली आजमाओ हम जिगर आजमाए। यही कहकर आप सबका